एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। अबे साले, कोई औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी करे? मैं तो मर्डर ही कर दूंगी उसका। जो हम उठाने जा रहे हैं वो कानूनी दांव पेच में भी उलझा हुआ है, उसको लेकर कई बार आवाज उठती रही है, वो है इस्लाम में पुरुषों को चार शादियां करनी चाहिए। चार शादियां जायज है, करनी चाहिए। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। ये हूरे होती हैं, जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। और भारतीय हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। जन्नत तो चीज ही क्या है, सुनते जाइए। अय्याशी की तो जगह है वो। बस कर कांटू। जन्नत में कहते हैं भद्दर हो रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं। और वहाँ औरतों के भी आगे टांगा जा रहे हैं और यहाँ पर भी टांगा जा रहा है। टपा टप टपा टप टपा टप चपा चप चपा चप ऐसा करके। कौंसल ने मर्द को इजाजत दे दिया कि वो पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करें, तो ये कैसा फैसला है? क्या ये इजाजत देनी चाहिए? हरगिज नहीं। हाँ नहीं, इजाजत तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए ना कि बीवियाँ भी दो बंदे रखें। बिल्कुल सही बात है, दो नहीं चार रखने चाहिए इनको भी। और नहीं तो क्या, तब जाके इनके आदमियों की अकल ठिकाने आएगी। सही बात है, लिबास पहने होंगे फिर भी जिस्म नजर आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ये लगता है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है। हलाला 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 हलाला, हलवा खाएं और सो जाएं। बेहतर हूर और चार शादी का नाम सुनते ही मुसलमान आदमियों की आंखें जूनू की जरा टिमटिमाने लग जाती है, टमकने लग जाती है। अरे एक अच्छी नेक औरत मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है, आगे से घुसो पीछे से घुसो, दाएं से घुसो बाएं से घुसो, नाक से घुस जाओ मुंह से घुस जाओ, सब रवा है। चार चार बीवियां देखी हैं, चार चार बीवियों से दस दस बच्चे देखे हैं, उसके साथ उन्होंने ये भी देखा है कि तलाक 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 होकर उनको तलाक दे दिया जाता था अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपने पर्सनल फन के लिए, अपने अय्याशी के लिए। लोगों ने इसको गोरख धंधा बना लिया। सुनते जाइए। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों उन हूरों के पैरों की पिंडली पिंडली की हड्डी। क्या बात कर रहा है? और उस हड्डी के अंदर जो मक्स जो गूदा होता है। अच्छा, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। ये सुबह उठते हैं औरतों के बारे में सोचते हैं, शाम होते होते औरतों के बारे में सोचते हैं, जब सपने इनको आते हैं तो औरतों के आते हैं और बेहतर हूरों के आते हैं। ये तो इन मुसलमान मर्दों का हाल है। लेकिन मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे भाई। क्योंकि आज हम इस बात का रिसर्च करने वाले हैं कि बेहतर हूरे और चार शादियों के बीच में पाकिस्तान के लोग महिलाएं एंड पुरुष क्या सोचते हैं। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई, चार शादियाँ अगर आपके पास इतनी इनकम और सोर्स हो तो करनी चाहिए। चार शादियाँ अफोर्ड मतलब क्या, ये शॉपिंग है क्या? अफोर्ड हो रही है, जितने मर्जी जोड़े खरीद लो। चार शादियां जो होती है ना, शादी जो होती है वो खजूर पे भी हो जाती है। ओरे बाबा, ये खजूर पे हो जाती है। अल्लाह के घर में नबी की सुन्नत है। अच्छा, यही सुन्नत आपको पूरी करनी है? इसके अलावा कितनी सुन्नतें और भी बताई गई थी? और भी तो सुन्नतें हैं ना, आपको चार शादी की ही सुन्नत क्यों पूरी करनी है? पता है कि जन्नत की जो सरदार है वो कौन है? हाँ कौन है? फातिमा गुलजार हैं और चाबी उनके पास है। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? जरा सुनिए। आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी, जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी, जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। लगता है ये पागल हो गया है। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज 130 फुट है। रोको जरा, वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरे मिलेंगी, तो ये जो टिंगू टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे। 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा, तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? शादी के बारे में क्या आपकी जो है खुद की थॉट है, कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मर्द को इजाजत है कि वो टका के चार शादियां करे। वाह बेटा, आपने कितनी की है अभी तक? मैंने तो अभी तक 0 की है। सुनकर अच्छा लगा। तो एक ने चार? जी बिल्कुल चार। अच्छा, चार क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। अच्छा, तो एक करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, चार करने से पता लगेगा। वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। बाकी रिलीजन में तो नहीं है इस्लाम, क्यों चार शादियों के फायदे बताता है? देख रहा है बिनो, क्योंकि इस्लाम मर्दों के साथ साथ औरतों को भी जो है ना मलका समझता है। अल्लाह तौबा।
और मर्दों को बादशाह और औरतों को मलिका। मलिका कहाँ की तीन उसके ऊपर और ले आए आप, वो बिचारी तो सारी उम्र रोती रहेगी मरती रहेगी। नहीं उसको कंपनी मिल जाएगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुसलमानों के 16-16, 18-18 बच्चे है। चाचा गलत हो रहा है, हमारे गाँव में है बहुत सारे लोग जिनके 15-15, 14-14 बच्चे हैं। मारो का खोपड़ी तोड़ साले, कम कम से कम 1000 वोट बढ़ाते हैं। क्या बात कर रहा, हर गांव में 1000-2000 साल में वोट बढ़ते हैं। आबादी बढ़ाते जाएंगे, हिंदुओं पे बोझ बनते जाएंगे और विक्टिम कार्ड खेले जाएंगे और सब्सिडी को लूटे जाएंगे। हमें फखर है इस पर। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर तो हिंदू है और सबसे ज्यादा सब्सिडी का फायदा यही लोग उठाते हैं। ये सिस्टम पे बोझ बने हुए हैं और बड़े प्राउड से आज के जमाने में भी 10-10, 12-12, 15-15, 18-18 बच्चे कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में भी सोच लो कुछ, अपनी नहीं तो हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में सोचो, हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों के बारे में सोच लो। खैर अगर ये इतना ही सोच ले तो देश के 3 टुकड़े होते क्या? ठीक है, ये तो आपने बड़ा अच्छा हल तजवीज की है। अब आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मालदार भी हैं, हर चीज है, लेकिन अगर वो दूसरी शादी करते हैं, आप सच बताएं दिल से कोई औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी? मैं तो मर्डर ही कर दूंगी उसका। सबसे पहले ये बढ़िया था गुरु, मतलब हम सारी उम्र खिदमतें करते करें और ये के सवाब मिल रहा है, इसी में सवाब मिल रहा है। खाउन के लिए जी ट्रेल रखें जी, आगे लगा के रखें। समझ रहे हो ना। और जी हस्बैंड साहब की नजरें कहीं और हैं जी, नहीं वो और बीवी जो है बेचारी अपना फर्ज निभाई जा रही है, हस्बैंड के आगे ट्रे भी रख रही है और जी हस्बैंड चाह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी भी कर लूं, तो फिर दूर फिटे मुंह उसका कि जी बड़ा खुश नसीब होता है वो मर्द जिसकी ज्यादा बीवी होती है। वेरी गुड, खुश नसीब क्या होगा। अच्छा सब कुछ इनको, हमें कुछ नहीं? नहीं हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ हम किचन को, यहाँ पे 4 शादी और जन्नत में कहते हैं भद्दर उड़े, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं। और औरतों के भी आगे टांगा जा रहा है और यहाँ पर भी टांगा जा रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये खातून हंस तो रही है लेकिन इनको भी पता है इस्लाम के अंदर औरतों का दर्जा क्या है, बस ये खामोशी से सहन कर लेती है। सुनते जाइए, आप यकीन मानोगे कुरान के अंदर औरतों को खेती बताया गया। खेती क्या बात कर रहे हैं बाबा, औरतें तुम्हारी खेती है, इनको चाहे जैसे जोत लो, तभी फिजा के खत्ते में खेती होती रहती है। और हिंदुस्तानी बड़े ताक लगा के बैठे रहते हैं कि हमारे को भी फिजा के खत्ते में खेती करनी। और हाँ जिनको समझ में नहीं आया ना वो पोगो देखे, हमारे लिए ये सजा है। लेकिन सबसे ज्यादा वफादार भी हम होते हैं। अगर हम कोई पसंद से शादी करना चाहें, दूसरी शादी करना चाहें, तो उसके ऊपर जी ये अच्छी औरत नहीं है तो इसको निकाल दिया जाए जी, ये अच्छी बहू नहीं हुई, अच्छी बीवी नहीं बनी। आपकी क्या सोच है कितनी करनी है? जायज 4 से ज्यादा होती तो ज्यादा कर लेती, 4 तो करेंगे, 4 करेंगे। अच्छा ये जो अगर आपका किसी से रिलेशन है, ये शादीशुदा है, ये बयान आपका सुनेंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि औरत अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करती। शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना, तो शेयर करनी चाहिए, स्वाब होता है, नेकी का काम है, करनी चाहिए। अच्छा हिंदुइज्म में एक करते हैं, कहते हैं ये पत्नी हमारी 7 जन्म तक है, वो तो काफर है, हम थोड़ी काफर है। काफिर का मतलब होता है कि जो हमारे दीन को नहीं माने, जो हमारे धर्म को नहीं माना है वो काफिर। तो मेरे भाई इतिहास के अनुसार अगर तुम चलो तो तुम काफिर हो सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे लेटेस्ट कोई धर्म है मजहब है वो तुम्हारा है, तो तुम काफिर हो इस संसार के लिए, सारे धर्मों के लिए, तुम्हारे लिए कोई काफिर नहीं है भाई। सबसे पुराना धर्म है सनातन, और सनातन में नफरत करना नहीं सिखाया जाता, और तुम नफरत की रेवड़ियां बांटते हो। रेवड़ियां काफिर हो, असली काफिर तो तुम हो जो 1435 साल पहले आए हो। जब मैं घर जाता हूँ मुझे गर्दन से पकड़ लेती है, उसके बाद दे मार 4:30 डम डम डम, मैं उसे कहता हूँ और मार, वो मारती नहीं। अच्छा रेसलर से तो शादी नहीं कर ली? नहीं देखे ये प्यार बढ़ता है मार खाने से। एडवाइस कर दे कि बीवी से रोज मार खाया करे। नहीं रोज नहीं खानी चाहिए, जब वो मारे उसे मारने देना चाहिए। वो रब मार रहा होता है अगर कोई समझे तो। तो कितने टाइम आपको मार पड़ती है बीवी से? वैसे तो 3-4 टाइम इनको पड़नी चाहिए, जैसे इनके हालात है। नाश्ता तो बड़ा मांगते हैं। जान कैसे छूटती है वो गर्दन से आपकी बीवी आपको पकड़ लेती है? क्या छोड़ देती है? मंत्र मुंत्र पढ़ के छुड़वाती? छोड़ देती, मैं उसे कहता हूँ मारो। हाँ। वो मुझे थक जाती फिर। अच्छा मारने की वजह भी होगी, क्यों मार पड़ती है बीवी? के मैं लेट आया हूँ। क्यों घर क्यों लेट जाते हैं? तो वो अल्लाह पाक ने भेजना है कि मैंने भेजना है। ये बड़ा शरीफ सा बंदा था, लेकिन अगर वास्तव में हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान के माशरे के अंदर 4 बीबियां करना इनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा काम कर रही है इस संसार के ऊपर, एहसान कर रही है 4 शादियां करके। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी जेब के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार ही शादियां करते हैं और बच्चे करते हैं। और काफी समझदार लोग मैं उनको मानता हूं कि जो आज के समय के हिसाब से चले, ना कि 1435 साल पहले के हिसाब से चले। अगर उस समय 4 शादियों की इजाजत दी गई थी तो उस समय चलती थी जंगे, वहां पर औरतें बेवा हो जाती, जंग के बाद में उन लोगों
लोगों को इजाजत दी गई कि जो बेवा हो गई है उसकी जिंदगी बसर हो जाए, शायद इसीलिए इनको चार शादी की इजाजत दी गई थी। लेकिन आज के समय में चार शादी का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपको भी लगता है कि चार शादी आज के समय भी होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन आप ही गाइए, आप अपने विचार जरूर व्यक्त करके जाइए। और हाँ मेरे भाइयों, आजकल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे, भारी मिस्टेक हो गया सर। लाइक तो वीडियो शुरू होते ही कर दिया करो, और जाते हुए कमेंट किया करो, और जब बिल्कुल एग्जिट करो जब शेयर मार दिया करो। आप लोग अपना ख्याल रखे, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।